नमस्कार, मैं बिन्नी। तो आज आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हम लोग जा रहे हैं कलश जुलस में। तो आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और चले हमारे साथ वहाँ पे जहाँ पूजा स्थल है, वहाँ से हम लोग जल भरने जाने के लिए कलश उठाएंगे और फिर केदारवत जाएंगे। हमारी जुलूस की भीड़ अब पहुंच चुकी है अरेराज में। अब यहाँ पर सब कोई एक जगह इकट्ठा हुआ है क्योंकि अब यहाँ से गाड़ी पर सबको लेके जाया जाएगा। गोविंदगंज जाना है, बहुत दूरी है अभी यहाँ से जाने में, इसलिए पैदल आदमी नहीं सकेगा। धूप भी बहुत तेज है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना लोग यहाँ पर आया हुआ है कि संभालना बहुत मुश्किल है। तो जिसको जिस गाड़ी में जगह मिल रहा है उस गाड़ी में बैठ रहा है। तो इस गाड़ी में हम लोग आ गए हैं। आज हॉस्पिटल बंद है हम लोग का, जब के लिए हॉस्पिटल बंद है। सब लोग साथ ही जा रहा है। तो गोविंदगंज हम लोग पहुंच गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा इधर कटा हुआ है क्योंकि जिला नवादा की तरफ से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इधर थोड़ा पानी कम है और भीड़ इधर कम है, इसलिए यहाँ पर सबको आया हुआ है। तो इधर से हम लोग जल भरेंगे। अब यहाँ पे बाबा लोग तैयार कर रहे हैं पूजा करने के लिए। पूरा सरियाया जा रहा है। पहले ये वाला जरूरी बा। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा स्थल पर कितना सारा तैयारी किया जा रहा है पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जो पूजा पर बैठने वाले हैं लोग, वो सभी यहाँ पर आकर के बैठेंगे। आदमी बारे कि एकदम भीड़ के मंदिर से लेके महाजोगी ले करा ले। ए पंडित जी, तने ना हो, तने ना देखे पंडित जी, बनाओ अपन वीडियो बन रहा है। कोई बोले ले बने क्या जी? और है नहीं सामने सामने तो हमने चिन्ह लोगों मुखिया के मुखिया। हाँ थोड़ा सा आए चाची जी, और आई ना अब पूजा के लिए तैयारी शुरू हो गया है। जो पूजा पर बैठने वाले हैं सभी लोग पहले मिट्टी से नहा रहे हैं, मुँह में डाल रहे हैं, उसके बाद पानी से नहा कपड़े देखते रहे। जल में खड़ा होकर के आधा घंटा तक पूजा हुआ है।
फिर उसके बाद बाहर निकलने के बाद वहाँ पर जो बनाया गया है तो वहाँ पर पूजा किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूजा करने बैठ गए हैं। तो ये चाचा लोग जो कृष्णा चाचा हैं, ध्रुव चाचा हैं, नागेश्वर चाचा हैं और एक नीरज चाचा भी हैं, तो ये लोग पूजा पर बैठ गए हैं यहाँ पर। वहीं पर पूजा के लोग सब पूजा पर बैठने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहें कैसे पूजा किया जाए। तो 45 मिनट तक यहाँ पूजा किया गया है और आप लोग देख सकते हैं कि अब धूप बहुत तेज है, जल्दी जल्दी पूजा यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वीडियो लिया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जल भरने के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं कि अब जल भरना शुरू हो जाएगा। पूजा अब समाप्त हो गया है, आप लोग देखते रहे। अब जल भरा गया है तो सभी लोग अपने अपने गाड़ी में जाकर के बैठेंगे। गाड़ी से फिर वहाँ अरे राज में पहुँचेंगे हम लोग। फिर वहाँ से पैदल जाना है जहाँ सिवान हम लोग का है, वहाँ पर फिर पूजा किया जाएगा। अब हम लोग अरे राज में आकर के यहाँ पर फिर उतर गए। अब यहाँ से पैदल यात्रा फिर हम लोग कर रहे हैं अपने घर तक का। अब आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा जुलूस आप लोग शायद ही कभी देखे होंगे। कितना भव्य जुलूस निकला हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना 10-15 गाड़ी ले गया था, फिर भी कम पड़ जा रहा था। तो बड़ा वाला बस भी इसमें रखा गया, तब सभी आदमी को दोबारा तबारा जा कर के लाया जा रहा है। इतना आदमी है यहाँ और इतना ज़्यादा लोग है कि लोगों को कतार में खड़ा करना मुश्किल हो गया है कि ये भीड़ संभाला नहीं जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं तो अब हम लोग वापस पूजा स्थल तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग अपना कलश को यहाँ रखेंगे, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे, उसके बाद घर जाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने में कितना ज़्यादा दिक्कत है, किसी को प्रसाद जल्दी मिल नहीं रहा है। प्रसाद में खीर बनाया गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो मेरा, कलश यात्रा वाला वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबाएँ जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।